जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। माधोगढ़ जालौन चितौरा बस स्टैंड के पास सत्संग आश्रम में हुई 7 दिवसीय भगवत कथा के 6वें दिन कथावाचक शीतल संत मुरारीदास महाराज के द्वारा सुप्रसिद्ध कथा व अपने मुखारबिंदु से क्षेत्रवासी भक्तजनों को भगवत कथा का रसपान कराया गया। सरस्वती पत्नी राकेश यादव के संयोजन में आयोजित इस कथा के 6वें दिन विशेष चर्चा करते हुए कथावाचक शीतल संत मुरारीदास महाराज ने मौजूद श्रोताओं को बताया कि दूसरे घर की कन्या जिसे आप अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार ही करे। इसके साथ ही साथ बहू का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी सास को मां का स्थान दे और सास भी अपनी बहू को बेटी का स्थान दे। अच्छी बेटी को अच्छी बहू बनाने की जिम्मेदारी केवल सास पर है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं बलवती होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मौजूद श्रोता भक्ति गीतों पर झूम झूम कर थिरकते नजर आए। 6वें दिन भागवत कथा में प्रमुख लालिया यादव, सूरजमुखी रमेश यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जालौन मेट्रो से सुमित तिवारी व अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। ऐसा कह रहे थे रुक्मणी, बोली अरे सत्य भामा काहे को दिमाग खर्च करी हो। अरे बुला दिया तो जाने तो तुम्हें क्या फर्क है। बोले फर्क क्यों नहीं है, हमारे पति और कोई स्त्री और बुलाए वहां चले जाए तो क्या मतलब। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने सब रुक्मणी से कहा, रुक्मणी चलो तुम्हें हम द्रौपदी के पास ले चलते हैं और तुम वहां देख लेना कि द्रौपदी मुझे क्यों बुलाती है, मैं क्यों बार बार चला जाता हूँ। महाराज ने जब कहा तो रुक्मणी तो बोली नहीं, तो सत्यभामा को लगा कि लगता है दाल में कुछ काला है। एक दिन भगवान सत्यभामा रुक्मणी सबके साथ बैठे थे और द्रौपदी ने भगवान को बुलाया और भगवान उठ करके चलने लगे। रुक्मणी सत्यभामा बोले कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले आज मेरी बहन बुला रही है। बोले तुम्हारी बहन हर दूसरे दिन बुलाती है, दूसरे दिन भाग खड़े होते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है क्या। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।